एग्रेड स्कूल के लाइव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर बहुलक की। सबसे पहले बहुलक की जैसे सारणी दी हुई अपने पास में कि निम्न बंटन का बहुलक याद कीजिए, तो बहुलक के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग की है। यहाँ देखो इसके अंदर सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं तो सबसे अधिक बारंबारता अपने पास में आ रही है 10। ये सबसे अधिक बारंबारता ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता 10 की है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा तो याद रखेंगे, इसलिए बहुलक बराबर इसका बहुलक हो गया 9 और यही इसका आंसर है। यदि अपने पास में वर्ग अंतराल की सारणी दी हुई हो, जैसे सारणी दी हुई है, वर्ग दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और एट के मान दिए हुए, तो उस सारणी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल सतत है या नहीं है। सतत का मतलब यहाँ 10 से यहाँ 10, यानी दोनों में अंतर नहीं है, यहाँ 20 है यहाँ भी 20 है, यहाँ भी अंतर नहीं है। ये अंतर नहीं हो तो सबसे पहले इसका हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र है बहुलक का, जेड बराबर लिखेंगे बहुलक जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इंटू एच। अब इसके अंदर ऐसे पता नहीं चलता कि किसको वर्ग अंतराल माने, तो यहां लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता इसमें देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 14 की है, इस वर्ग को मिलाएंगे तो यहां लिखेंगे 14 की है, इसलिए इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब यहां देखेंगे इसका बहुलक वर्ग हो गया 20 और 30, तो यहां लिख दिया बहुलक वर्ग 20 से 30 है। अब इस बहुलक के जो भी आंसर आएंगे वो 20 और 30 के मध्य आएंगे, यदि इसके मध्य नहीं आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इनके मान लिखेंगे, सबसे पहले एल का मतलब होता है जिस वर्ग को मिला, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग है, इसकी ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, यानी एल बराबर हो गया, निम्न सीमा हो गई इसकी 20। फिर एफ जीरो होता है बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता, यानी ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक ऊपर की बारंबारता ये होगी 12, यानी एफ जीरो का मान हो गया 12। फिर लिखेंगे F1 बराबर, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी ये 14 है, ये बहुलक वर्ग है, तो F1 का मान हो गया 14। उसके बाद में आ गया F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक बाद की ये 10 है, तो F2 बराबर हो गया 10। H को बोलते हैं क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल, उनके बीच में देखेंगे कितने का अंतर है। H बराबर यहाँ देखते हैं अंतर सब में सेम है, तो H का मान हो गया, अंतर हो गया 10 का, तो H है 10। उसके बाद में इसमें मान रखेंगे Z बराबर L की जगह हो गया 20 प्लस cos जगह F1 की जगह हो गया 14, F0 इसकी जगह F को इसकी जगह हो गया 12, तो ये 12 अपॉन 2F1 दो गुणा F1 का मान रखेंगे 14 माइनस F0 हो गया 12 और माइनस F2 का हो गया 10 और इंटू H की जगह रखेंगे 10। 20 के 20 प्लस का प्लस है, 14 माइनस 12 ऊपर बच गए आप 2, 14 को 2 से ये दोनों गुणा होंगे और ये हो गया 28। इन दोनों का योग होगा लेकिन निशान माइनस का रहेगा, तो माइनस के ये हो गए 22 और गुणा 10, तो यहाँ 20 के 20 प्लस 2 के 2 और 28 माइनस 22, 6 और गुणा 10। 2 को 10 से गुणा कर लो या फिर 2 से काट लेते, 2 1 2 और यहाँ हो गया 3। 1 को 10 से गुणा किया हो गया ये, तो 20 के 20 प्लस 10/3, तो 20 प्लस 10 में 3 का भाग दिया तो ये हो गया 3.33।
और इन दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, और योग हो गया अपने पास में 23.33, और यही इस बहुलक का आंसर है। मैंने ये बताया था इसके जो आंसर आएंगे वो बहुलक वर्ग है 20 से 23, इसके मध्य आएंगे, तो यहाँ पर आंसर है अपने पास में 23.33, और यही इस बहुलक का आंसर है। यदि कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लेना।